हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चलिए आपको फटाफट खबरों से कराते हैं अपडेट। 134A का फिर बदला शेड्यूल, निजी स्कूल संचालकों ने भी कर रखा जानकारी नहीं देने का ऐलान। खाली सीटों का ब्यूरो देने के लिए 3 दिन और बढ़ाए, 1000 से ज्यादा निजी स्कूलों ने नहीं दी जानकारी। शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक 7,337 निजी स्कूलों ने ही सीटों का दिया ब्यौरा। भाजपा प्रत्याशी ने नेताओं का रास्ता रोकने के मामले में 200 लोगों के खिलाफ किया केस दर्ज। जहर के सौदागरों का दुस्साहस, केमिकल से बनाया पनीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। पलवल में 1.5 टन नकली पनीर पकड़ा, टीम नष्ट करने लगी तो ग्रामीणों ने किया पथराव, 4 पुलिसकर्मी घायल, 3 गाड़ियां रोड तोड़ी। सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को गति देने के लिए लगाई 4 IPS और 1 HPS, शिवचरण को ब्यूरो में हिसार DIG लगाया। मेवात में डेंगू और बुखार से अब तक की 20 मौतें, फिरोजपुर छिरखा में बुखार से मेडिकल की छात्रा व 7 वर्षीय बच्चे की मौत। बिजली चोरी पकड़ने गई 15 गाड़ियों में पहुंचे कर्मचारी विरोध देख भागे, पीछे रही SDO को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। पाकिस्तान में महंगाई गरीबी के विरोध में विपक्ष, इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 4 की मौत, मोबाइल इंटरनेट बंद। स्नातक योग्यताधारी युवाओं के लिए रोजगार के मौके, 11 बैंकों में PU के 4,135 पदों के लिए परीक्षा आवेदन दस्तक। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड ने देश भर में अधिसूचना जारी की। कुंडली बॉर्डर पर कत्ल, निहंग सिखों ने साथी पहचाने, लखबीर हत्याकांड में हरियाणा पुलिस ने भी SIT गठित की। 27 अक्टूबर की पंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट। खाद पर सब्र टूटा, DAP की किल्लत से हिंसक हुए किसान, पुलिस पर पथराव, हंगामे के बाद थानों से बटी खाद। युवा मांगे रोजगार, 30 साल पहले 1 कर्मी पर था 31 लोगों का जिम्मा, अब बढ़कर 95 का हुआ। प्रदेश में लगातार घट रहे सरकारी कर्मी पर भर्तियों में नहीं ला रही तेजी। चांद की दीदार में रोड़ा बनेगा पश्चिमी विक्षोभ, कल छाए रहेंगे बादल, कई जगह बरसात होने की भी संभावना। वैक्सीनेशन का वीकली ट्रेंड, लाभार्थियों की संख्या 1.90 करोड़ से बढ़कर 2.05 करोड़ के जाने के बाद से प्रदेश में टीकाकरण सुस्त पड़ रहा। नवरात्र शुरू होते ही अक्टूबर के 2 सप्ताह में 30 और 3 सप्ताह में और 19% गिर गया वैक्सीनेशन। सरकार के पास 15 लाख डोज का स्टॉक पर लोग नहीं लगवा रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, चीन ने हमला किया तो ताइवान की रक्षा करेंगे। नागरिक अस्पताल में छुट्टी के दिन भी बुखार पीड़ितों की OPD होगी, फोल्डिंग बेड लगाए, 24 घंटे चलेगी लैब। सामान्य लैब पर भीड़ बढ़ने से हुई अव्यवस्था, जिला अस्पताल में 14 डेंगू सहित बुखार के 35 मरीज भर्ती। नई पहल, सोनीपत सर्कल में बनाई MNP और MNT लैब, नहीं जाना होगा करनाल और रोहतक, जिले में ही होगी बिजली मीटर की गड़बड़ी की जाँच। शहर की सड़क अतिक्रमण से तंग, जिनसे निकलना हुआ मुश्किल, ट्रैफिक जाम, कब से मिलेगी राहत? दुकानदार का फुटपाथ सहित सड़क पर 8 से 10 फीट कब्जा, पुलिस ने नो पार्किंग में नो एंट्री में खड़े वाहनों की किए चालान। NGT ने उद्योगपतियों से जुर्माना वसूली का किया नोटिस जारी, पिछले वर्ष जमीन के अंदर से अवैध रूप से पानी निकालने पर 23 पर किया था 98 करोड़ का जुर्माना। मैं डॉक्टर रविशंकर, मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ, MBBS DCH DNV किया हूँ। मैं छोटे बच्चे में, जैसे प्री मैच्योर बच्चा हुआ, 28 वीक 26 वीक का बच्चा हुआ या कम वजन का बच्चा हुआ, उसके लिए हमारे पास नर्सरी है, जिस नर्सरी में हम क्वालिटी का ट्रीटमेंट देते हैं। अभी जैसे हमारे पास एक 550 ग्राम का बच्चा बॉर्न हुआ था, वो भी उसको करीब 1.5 महीना रखे थे और बच्चे को डिस्चार्ज करके यहाँ से घर भेजे हैं सही सलामत। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।